आज जा रही है दूसरे के घर। अब जब बछिया का जन्म होता था तो बहुत खुश होते थे लोग। अब पहले खुश नहीं होते थे, पहले बछड़े से खुश होते थे, बाद में बछिया से खुश होने लगे। और अब समय ऐसा आ गया कि लोग काम करना नहीं चाहते, बछड़ों को तो लोग छोड़ ही देते हैं, बछिया को भी लोग ऐसे छोड़ने लगे हैं। यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है, आज एक अच्छे सज्जन आ गए हैं, गाँव के ही हैं, जिन्हें बिना पैसे के बछिया दी जा रही है। यह मुझे खुशी है कि इसके गर्दन पर छुरी नहीं चलेगी, अच्छी जगह जा रही है। जो गोपालक हैं लोग इसे ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और बहुत अच्छा परिवार है प्रजापति परिवार के। क्या नाम है बाबू आपका? सुजीत। सुजीत हमारा वीडियो देखते भी हैं और सुजीत आज ले जाएंगे। यद्यपि अभी बच्चा देने वाली हैं, जो इसकी माँ है बहुत अच्छी हैं, और यह थोड़ी सी क्रांतिकारी भी हैं यह, लेकिन बारकी वारकी नहीं है। और मैं इनको ज़्यादा खिलाते पिलाता नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा पोष नहीं मानी है इनको। एक दिक्कत और है कि छुट्टा पशु आते हैं और कहाँ कहाँ बांस लगाया जाए, आकर के रात को लड़ जाते हैं, तो अब तो बांधना पड़ेगा, सबको चार दीवारी बनानी पड़ेगी। यह भी एक संकट है। और छुट्टा पशु एक दो चार नहीं, 10-20 की संख्या में आते हैं। उत्तर प्रदेश में यह नहीं कहता कि छुरी चल जाए, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ भी गो आश्रय केंद्र हैं वहाँ बहुत खराब स्थिति है, और गायें मर रही हैं, लगातार मरने के कगार पर हैं। तो मैं इन्हें दे रहा हूँ, लीजिए। देखिए पगड़ी बांध करके लेते हैं, यह तरीका है किसान का, तो मैं पगड़ी बांध करके इन्हें दे रहा हूँ। धन्यवाद।